आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। अभी मैं आपको इस तरह लग रही होंगे कि हम जा रहे हैं मार्केट, आज हमें निकलना है। छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं, हम बस वही लेने जा रहे हैं। माशाल्लाह रेडी हो गए, बस हम लोग निकलने वाले हैं। तो अम्मा ने कहा दाल चावल खा के निकलेंगे, तो अम्मा ने बना दिए हैं। और ये सनी मेरे लिए भी इतना सारा लेके आए हो, जल्दी से खा लो। अब ना मुझ में थोड़ी सी जिम्मेदारी आ गई है। मैंने पहले पूरा रूम साफ किया, एकदम सिस्टमेटिक बेड बना के मैंने कहा मैं फिर जाऊंगी। पहले तो ऐसे ही छोड़ के निकल लेती थी। और एक चीज और चेंज आया, रिजा वाली आदत, सारी जितनी भी एक्स्ट्रा पन्नियां है ना वो इसके अंदर रखी है कि बाद में काम आएंगी। ये बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट हमें कल मिला था, सनी और मेरी फोटो है। वो बहुत ही प्यारी सी बच्ची आती है, इन्होंने इतना अच्छा सा नोट भी लिखा है और इसमें लिखा यू आर माई रियल इंस्पिरेशन, माई रोल मॉडल, बस आपके जैसा बनना है। और अपना नाम नहीं लिखा बेटा, आपने लिखा है योर वेल विशर। लेकिन मैं यही दुआ करूंगी आप मुझसे कई गुना ज्यादा कामयाब हो और आप इतनी प्यारी हो, देखना अल्लाह आपको जरूर कामयाब करेगा। मेरी दुआएं आपके साथ है। आप मुझे और सनी को बस इस तरह दुआ में याद रखिए और सपोर्ट करिए, बस हमें आपका प्यार चाहिए। अपने बैग में रख लो। क्या है ये? चलो, इस पे इतना सारा सामान है। अब मैं समझ सकती हूँ भाभी की उतना सारा बैग भारी लेके चलती है। मैंने तो सोचा हम निकलने से पहले अम्मा से मिला क्योंकि अम्मा नहीं जा रही है इस बार। सलाम कर लो सबसे, 2 दिन में आती हूँ। मैं कहाँ बैठूंगी? हाँ फैसल, क्या हाल है? बढ़िया है। कोई उल्टी तो नहीं किया भाई? कोई नहीं किया अभी तो। कहाँ जा रही हो? बाइक पे। हम पहुंच चुके हैं झांसी स्टेशन। यहां से हमारी ट्रेन थी और झांसी पे इरफान जो है ना छोटा भीम, उसकी भाभी हमसे मिलने आई थी क्योंकि वो यहाँ रहती है। बीच में हम सनी की फूफी के घर भी चले गए थे, हमारे पास काफी टाइम था लेकिन हमने वहां पे शूट नहीं किया है। अभी बस ट्रेन का टाइम हो गया है, हम चले अपनी